आज के दिन की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी। चलिए रुक कर लेते हैं नए संसद भवन से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने नए संसद के सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन में कहा, हम गुलामी के चिन्हों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, नई संसद में एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन। पीएम मोदी बोले, अगले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, रास्ता कठिन है, नामुमकिन नहीं। पीएम ने कहा, नया संसद भवन नए भारत का आधार बनेगा, हम नए रास्ते खुद बनाने होंगे। नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का संदेश पढ़ा गया। संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, सामूहिक चेतना का प्रतीक है संसद, नया संसद भवन पूरे देश के लिए गौरव। नए संसद भवन के उद्घाटन पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। उद्घाटन के समय स्पीकर ओम बिरला भी रहे साथ, पूरी दुनिया ने देखा नए हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर को। विधि विधान के साथ लोकसभा में सिंगल स्थापित, स्पीकर की कुर्सी के बगल में की गई स्थापना। नए संसद भवन में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग धर्मों के विद्वानों और गुरुजनों ने अपने धर्म की प्रार्थना की। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। साधु संतों के साथ सेंगोल लेकर पीएम मोदी नए संसद भवन में प्रवेश उन्होंने किया। साथ में मौजूद रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सेंगोल के आगे दंडवत हुए पीएम नरेंद्र मोदी, साष्टांग प्रणाम के बाद संसद में स्थापित किया गया। नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित हुआ पवित्र सेंगोल, पीएम मोदी ने सेंगोल को लेकर की परिक्रमा। संसद भवन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे मौजूद। नए संसद के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का किया सम्मान। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने सावरकर को नमन किया, आज सावरकर की जयंती है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके सावरकर को लेकर केंद्र सरकार पर किया हमला, सावरकर की सोच को बापू की हत्या का जिम्मेदार बताया। राष्ट्रीय जनता दल का विवादित ट्वीट, नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की, तस्वीर पोस्ट की। नए संसद भवन को लेकर जेडीयू का हमला, कहा नए संसद भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। आरजेडी पर देशद्रोह का मुकदमा हो, सुशील मोदी ने आरोप लगाया, साथ ही तंज कसा। ओवैसी का आरजेडी पर हमला, कहा नए संसद भवन को ताबूत बताना गलत, नए संसद भवन की जरूरत थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, कहा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया गया, राजतंत्र के रास्ते पर बीजेपी ब्राह्मणवाद स्थापित कर रही है। सांसद नवनीत राणा ने नई संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका, विपक्ष पर किया हमला, कहा नए संसद भवन पर हमें गर्व है। कांग्रेस का नई संसद और महिला पहलवानों को लेकर बीजेपी पर अटैक, कहा आज एक तानाशाह का राज तिलक हुआ। नए संसद भवन पर मार्च करने जा रहे पहलवानों को पुलिस ने रोका, कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। जी हां, आज भारत को नई संसद मिल गई, आज नए भारत का नया संसद भवन देश को समर्पित किया गया। दो सत्रों में प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पहले सत्र में पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल की स्थापना हुई, जो सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई। फिर दूसरे सत्र में नई संसद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा गया, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को संबोधित भी किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद की जरूरत बताई और 9 साल में सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। देश को आज नया संसद भवन मिल गया है, वो संसद भवन जिसे आजाद भारत ने बनाया है। राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन देश की नई उम्मीदों और नए लक्ष्यों को पूरा करेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपना संकल्प फिर दोहराया है। कहा, ये नया संसद भवन देश के नए लक्ष्य को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले नए संसद भवन के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का दूसरा फेज दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। इसके बाद संसद के निर्माण और सेंगोल को लेकर 2 शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा, फिर स्पीकर ओम बिरला का संबोधन हुआ। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद रही, कई राज्यों के सीएम और अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। और नए संसद भवन में पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य बड़ा है, इसलिए मेहनत भी ज्यादा होगी, हमें जी जान से जुटना होगा, तपना होगा। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है, नए प्राण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। पीएम मोदी ने 9 साल के बेमिसाल सफर का भी जिक्र किया। बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, 9 साल भारत के नवनिर्माण के रहे हैं। गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का संतोष, 11 करोड़ शौचालय बनने का भी संतोष, 4 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का भी संतोष। कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को बड़े आदर और उम्मीदों से देख रही है। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार
पूरा विश्व भारत को भारत के संकल्प की दृढ़ता को भारतवासियों की प्रखरता को भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के निर्माण की खूबियां भी बताई। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय को गर्व की अनुभूति हो रही है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और आज नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी स्थापना को ऐतिहासिक बताया है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। देश का नया संसद भवन भारत के लोकतंत्र की नई आन बान और शान है। ये न्यू इंडिया की झलक है जिसमें देश की संस्कृति और आधुनिकता का संगम है। ये देश की नई उम्मीदों का नया संसद भवन है। भव्य है, दिव्य है, अद्भुत और अलौकिक है। दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये दुनिया के सबसे पुराने भारतीय लोकतंत्र की आन बान और शान है और पीएम मोदी ने आज इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लोकतंत्र के इस नए मंदिर को देखकर हम हिंदुस्तानी गौरवान्वित हैं। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा और दिल उल्लास से भर गया। पीएम मोदी ने देश को जिस नए संसद भवन का तोहफा दिया है उसमें न्यू इंडिया की झलक है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लिखा, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। और नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आज भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। संसद भवन परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी और फिर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। आज सुबह करीब 7:30 बजे नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन के साथ हुई। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन में अनुष्ठान संपन्न कराया। इस पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। इसके बाद सेंगोल की स्थापना हुई और फिर नए संसद भवन में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया जिसमें पीएम मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्री और राज्यों के सीएम समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन,
पारसी सिख समेत कई धर्मों के धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। पीएम मोदी ने धोती कुर्ता पहनकर पूजा अर्चना की और फिर तमिलनाडु से आए 20 पंडितों का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सिंगुल की स्थापना की। सिंगुल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन में सिंगोल की स्थापना की। इससे पहले पूरे विधि विधान से सिंगोल की पूजा हुई। शुरुआत मंत्रोच्चार से हुई, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास सिंगोल स्थापित किया गया। स्पीकर की सीट के पास इसकी स्थापना से पहले पीएम ने सिंगोल को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद मंत्रोच्चार का कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे पहले पीएम को सिंगोल सौंपा गया, जिसे लेकर वो बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़े। सिंगोल के साथ परिक्रमा की, उसके बाद उसे स्थापित किया। सिंगोल का इतिहास एक तरफ भारत की आजादी से जुड़ा है, तो वहीं इसकी प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से भी जुड़ती हैं। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। सिंगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के आधीना महंतों को बुलाया गया। सिंगोल सिर्फ राजदंड प्रतीक भर नहीं है, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और प्रजा के लिए राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक है। नए संसद भवन में इंटीरियर्स और फर्नीचर का काम बेहद खूबसूरती से किया गया है। इसके पूरा करने वाले नरसी कुलासरा से हमारे संवाददाता पंकज झा ने खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और उसके इंटीरियर का जो काम है वो नरसी ग्रुप ने किया है। तो नरसी ग्रुप के नरसी कुलेरिया जी हैं और उनके बेटे जगदीश कुलेरिया भी हैं। प्रधानमंत्री ने आज इसके बारे में बहुत बखान किया है कि लकड़ी महाराष्ट्र से आया, कारपेट भदोही से आया। ये जो आपने इंटीरियर बनाया है उसमें क्या खास है ऐसा जो आपको लगता है कि सिग्नेचर है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फर्नीचर बनाया हमने, क्योंकि ये जिसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। आज से 15 महीना पहले जब हमारे पास में टाटा ने ये ऑर्डर हमने टाटा ने हमको दिया था, तो वो समझ के, क्योंकि हमें भी, मैं इस लाइन में 35 से 40 साल में हूँ, क्योंकि ये आम आदमी की बस की बात नहीं इस टाइप का फर्नीचर बनाना। जैसे आप बेंच ले लो, तो बेंचों की आप गोलाई ले लो, पीछे वाली जो बेंच है वो अराउंड 300 फीट गोल है, जिसमें MP बैठेंगे उस बराबर है लोकसभा की, लेकिन 300 फीट के अंदर एक MA भी इधर उधर नहीं है। तो फाइनली मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज अमृत महोत्सव में ये तो एक शुरुआत है पार्लियामेंट का, जहां हजारों लोगों को रोजगार आज हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री को मिल रहा है, और ऐसे आगे इसमें सेंट्रल वेस्टा में हजारों और लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष इसके विरोध में उतरा हुआ था। सबसे पहले RJD के एक ट्वीट से हंगामा मचा। RJD ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी। नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही इसको लेकर शुरू हुई सियासत अपने चरम पर पहुंच गई। RJD ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। RJD के ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें ट्वीट की गई। पहली तस्वीरें ताबूत की हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीरें संसद भवन की, जिसमें लिखा था ये क्या है। मैं तो कहा कि ताबूतीकरण करने की प्रयास है, इस प्रयास पर मेरा सवाल है और इसी सवालों को लेकर के हमने प्रतीक चिन्ह लगाया है। वहीं JDU ने BJP पर छुआछूत की राजनीति करने का आरोप लगाया। जब देश का राष्ट्रपति आदिवासी हो, महिला हो, और उसका अपमान की भाषा, जब इसका शुभारंभ हुआ, शिलान्यास हुआ, उस समय दलित राष्ट्रपति, तो राजनीतिक छुआछूत का प्रकटीकरण है। तो वही आम आदमी पार्टी ने इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर विरोध जताया और कहा कि BJP आदिवासी और दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित और आदिवासी समाज को अछूत मानती है। भारतीय जनता पार्टी इनको किसी भी शुभ कार्य में बैठाल कर किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहती। और संसद की तुलना ताबूत से करने पर BJP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये RJD के ताबूत की आखिरी कील है। तो सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। RJD के ताबूत वाले ट्वीट पर सियासी बवाल मच गया। BJP ने उद्घाटन के मौके को ऐतिहासिक बताया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि RJD के लिए अगला चुनाव ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया है, संसद का अपमान करने का काम किया है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी ताबूत में बिहार की जनता RJD को डाल देगी, क्योंकि उसको ताबूत ज्यादा पसंद है।
बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी के ट्वीट को घटिया बताया और कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। की तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है, ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आरजेडी के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया दी और ट्वीट में लिखा कि 2024 में जनता इन्हें इसी ताबूत में गाड़ देगी। नए संसद भवन के बहिष्कार पर सांसद नवनीत राणा का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा विपक्ष जनता के लिए नहीं लड़ रहा है, विपक्ष अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा है। नए संसद भवन पर हमें गर्व है, ये कहना नवनीत राणा का। जिनके पास घर नहीं उन लोगों के प्रश्नों का ये मंदिर है और मुझे लगता है मंदिर में आने के लिए कोई बॉयकॉट ये शब्द हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है अगर आज वो सच में ऑपोजिशन के लोक प्रतिनिधि थे, लोगों के प्रश्नों के लिए लड़ने वाले लोक प्रतिनिधि थे, तो आज वो ये सदन में जरूर आते थे। वो पार्टी के लिए लड़ रहे ना कि वो जनता के लिए और देश के हित में। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश के नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, ऐसा लग रहा है पीएम का राज्याभिषेक हो रहा है। मुझे इतना जरूर मैं बता सकती हूँ कि पीएम के हर शब्द में सिर्फ हिंदुस्तान की जनता, उनका विकास, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगारों का बारे में जो चिंता और जो मजदूर दिन रात करके पार्लियामेंट को बनाया उनका उल्लेख, वो 60,000 मजदूरों के बारे में इतने बड़े उद्घाटन के समारोह में उनका उल्लेख करना, बेरोजगारों को, बेघरों को घर कितने दिए उसके बारे में बात करना और देश के विकास के बारे में, तो हमारे लिए तो चेतना ही है। इस बीच इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर विपक्ष ने विरोध किया है, आग बबूला है विपक्ष। पटना में जेडीयू ने धरना दे दिया तो कांग्रेस ने प्रतिकार मार्च निकाला है। संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला तो वहीं जेडीयू ने धरना दिया। जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी ने दलितों और आदिवासियों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का भव्य उद्घाटन किया है लेकिन पटना की सड़कों पर दूसरा ही नजारा है। पटना में जहां जेडीयू उपवास और धरने पर बैठी है, वहीं कांग्रेस देखिए यहां पर प्रतिरोध मार्च कर रही है। संसद भवन के उद्घाटन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है लेकिन यहां पर विरोध दर्ज करेंगे। हालांकि आरजेडी के नए संसद भवन के साथ ताबूत वाले ट्वीट पर जेडीयू और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सहमत नजर नहीं आई। कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने का विरोध किया। संसद भवन अपने आप में सर्वोच्च भवन होता है, देश की संवैधानिक संस्था के रूप में मानी जाती है, जहां कानून बनते हैं। तो संसद भवन बना है तो उसका उद्घाटन सर्वोच्च पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होना ज्यादा बेहतर होता है। हम उस गलत परंपरा जो स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री जी ने, हम नए संसद के उद्घाटन के मौके पर आज पहलवानों ने समर्थन में संसद मार्च किया। पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में पहलवानों के समर्थन में संसद मार्च को रोकने के लिए आज पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहलवान नए संसद के सामने महिला सम्मान पंचायत करने निकले थे जिन्हें रोक दिया गया और कई खिलाड़ियों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर खींचतान मची। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि देश का मान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बेहद गलत एवं निंदनीय है। इस प्रदर्शन में खाप पंचायतें भी शामिल थी लेकिन पुलिस ने उन्हें भी आगे बढ़ने नहीं दिया। हम यहाँ पे ही है, अभी अपना खाना शुरू करवा दिया बढ़ना और ये जहाँ पे भी रोकेंगे, हमने अपने लोगों को कहा कि आप थाने में ही बैठो, अपने वहीं पे ही। वे बच्चे हमारे छुट्टे, वे धरना स्थल पर आए, बातचीत करेंगे हम अधिकारियों से, हम यही अपना खाना पुना गुणवाएंगे और आगे की बात में करेंगे। पहलवानों पर हुई जाति को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर जनता की आवाज कुचल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा कि सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही के बल पर पीटा गया, लोकतंत्र इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है। और आज वीर सावरकर की 140वीं जयंती भी है और इस मौके पर नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आज ही संसद के उद्घाटन का दिन क्यों चुना गया।
अलग अलग तरह के शब्द। पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर को भी याद किया। विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आज उन्हें संसद भवन में श्रद्धांजलि दी। सावरकर को लेकर जिस तरह की विवाद रहे हैं उसके चलते इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि आखिर केंद्र सरकार ने उनकी जयंती के दिन नए संसद के उद्घाटन का दिन क्यों चुना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताया और कहा कि बीजेपी को वही दिन मिला जिस दिन जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार हुआ था। जो आत्ममुग्ध मोदी जी हैं, करिए प्रचार करिए, पर देश के उन लोगों को अपमानित मत करिए। उनकी शहादत, उनके त्याग बलिदान को अपमानित मत कीजिए। अगर वो न होते तो आज आप वहाँ न होते। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के निर्माता है, और वही दिन मिला आपको जिस दिन का दाह संस्कार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके आज नए संसद भवन के उद्घाटन पर विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद की तस्वीर जारी करते हुए अपनी आवाज में ट्वीट करने की अपील की थी। इसके बाद एक्टर शाहरुख खान ने नए संसद भवन पर अपनी आवाज दी। भारत का नया संसद भवन हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। यह नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति, प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। यहां सत्यमेव जयते का नारा स्लोगन नहीं, विश्वास हो। यहां अशोक चक्र का हाथी, घोड़ा, शेर और खम्मा लोगों नहीं, हमारा इतिहास हो। जय हिंद। और नए संसद भवन पर मेरा संसद मेरा अभिमान के तहत फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी अपनी आवाज में संसद की तस्वीरों को ट्वीट किया है। सुनाते हैं आपको अक्षय कुमार ने क्या कहा। मेरा नाम अक्षय कुमार, और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था, तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती। ये एक नए भारत की पहचान है, ऐसा हिंदुस्तान जो न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है, पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से, सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया। जय हिंद, जय भारत। और अब आपको सुनाते हैं फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की आवाज, जो उन्होंने पीएम की अपील पर हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड के लिए ट्वीट की। ये भवन सिर्फ एक भवन नहीं, ये ठिकाना है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का। ये प्रतीक है उनकी आशाओं का, ये हस्ताक्षर है उनके स्वाभिमान का, ये जय घोष है दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का, ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। इसकी नींव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, इसकी ईंट ईंट दुनिया से हमारा संवाद है, इसकी दीवारें हमारी आस्था से अटूट हैं, इसकी छत हमारी एकता का मूर्त रूप है। ये दिखाता है कि इंडिया कितना यंग है, ये बताता है हमारी चाहतों में कितना दम है। ये जश्न है हमारे गौरवमय इतिहास का, ये पर्व है एक नए आगाज का। इसके उद्घाटन पर पूरे देश में
त्योहार जैसा हर्ष है, मेरा संसद भवन मेरा गर्व है। जय हिंद। एक बार फिर राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल अमेरिका दौरे पर रवाना हो रहे हैं। राहुल वहां वास्तविक लोकतंत्र के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कैलिफोर्निया में 30 मई को खुलेगी। राहुल गांधी करीब 10 दिनों तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर भारत वंशियों को जुटाने के लिए वीडियो जारी किए गए। इसमें राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां भी दिखाई गई। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश को एकजुट किया है। इसके अलावा भी राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा का मकसद वास्तविक लोकतंत्र के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पोस्टर भी रिलीज किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम मोहब्बत की दुकान रखा गया है। We welcome Rahul Gandhi. आपको बता दें कि मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करते हुए नया पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी। आज राहुल गांधी को नया पासपोर्ट मिल गया। मन की बात में पीएम मोदी ने आज युवा संगम का जिक्र किया और देश के कई युवाओं से बात की। पीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम जन भागीदारी की वजह से कामयाब हुआ। मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है। मन की बात के 101वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 25 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात का ये एपिसोड सेकंड सेंचुरी की शुरुआत है और ये सब जन भागीदारी की वजह से कामयाब हुआ है। मन की बात का ये एपिसोड सेकंड सेंचुरी का प्रारंभ है। पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है। आपकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवा संगम का जिक्र किया जिसके तहत युवाओं को देश भ्रमण का मौका दिया गया था। म्यूजियो कैमरा। मन की बात में प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के उस म्यूजियम का जिक्र किया जहां 1860 के बाद बने कैमरों का कलेक्शन है। कैमरों का प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में दिव्यांगों के लिए बने म्यूजियम का भी जिक्र किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के इस एपिसोड में एक बार फिर जल संकट को लेकर चिंता जाहिर की है और इसके समाधान से जुड़े प्रोग्राम का जिक्र किया है। मन की बात के 101वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जल संरक्षण को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि बिना पानी जीवन पर संकट रहता है। इस संकट की वजह से व्यक्ति और देश का विकास ठप पड़ जाता है। बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के अमृत काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है।